नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूँ आपके साथ पूजा। आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। इंदौर में जमीनी धोखाधड़ी के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र में सामने आया है, जहां प्लॉट के नाम पर तीन युवकों ने धोखाधड़ी की है। फिलहाल पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। दरअसल क्षेत्र के रहने वाले इब्राहिम नामक युवक ने क्षेत्र में ही एक प्लॉट खरीदा था, जिसमें राजकुमार कुरील, समीर चिकना, शहदाब चंदनवाला द्वारा फरियादी के साथ लगातार धोखाधड़ी हो रही थी। वहां प्लॉट की हेराफेरी कर दूसरों को बेच दिया गया था। फरियादी इब्राहिम की शिकायत पर इन तीनों आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक इनमें से समीर चिकना व शादाब चंदनवाला के खिलाफ पूर्व में भी कई ऐसे अपराध दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। सावेर थाना क्षेत्र की घटना है। तनु पिता किशोर, उम्र 16 साल, बिलोदर ग्राम की रहने वाली है। ये कोई अज्ञात जहर पाइजन खा के इलाज के दौरान मृत्यु हुई है। मर कायम करके मर पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। क्या नाम है इसका पूरा? तनु पिता किशोर। आपका नाम बता दो। प्रधान आरक्षक जगन्नाथ। सर, कोई माफिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है? क्या है पूरा मामला और कौन लोग हैं? इब्राहिम की रिपोर्ट में से धारा 420, 467, 468, 471, 294 IPC के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। ये प्लॉट की हेरा फेरी को लेके प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है। और इसमें जिन लोगों को आरोपी बनाया गया है, उसमें राजकुमार कुरील, समीर चिकना और शादाब चंदनवाला रानीपुरा का, ये तीन लोगों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज करके विवेचना में लिया गया है। इनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। जल्दी इनको गिरफ्तार करके और आगे कार्रवाई संपादित की जाएगी। सर, इनके खिलाफ कहीं और भी मुकदमे दर्ज हैं? हाँ जी, रिकॉर्ड निकाला जा रहा है। इसमें दो लोगों का तो क्लियर है कि इनके विरुद्ध प्रकरण दर्ज हैं, समीर चिकना और शादाब चंदनवाला। इन लोगों के विरुद्ध पहले भी कई प्रकरण हैं और राजकुमार कुरील का भी रिकॉर्ड देखा जा रहा है। द नेटिजन न्यूज से सिटी रिपोर्टर साजिद खान की रिपोर्ट। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।